हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम के लिए हुबहू सीरीज हमारी चल रही है, जिसकी संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर आज होने वाली, 1, 2 और 3 हमने पढ़ लिया, और चौथा पार्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। दोस्तों, इसका अर्थ यही होता है कि भाई आपके कितने सवाल सही होते हैं, हुबहू पेपर की तरह ही ये पेपर है ना। हाँ, तो ऐसे में आपको ये मान के चलना है कि जीके के पेपर में आप कितने सवाल सही कर पाते हैं, इसका दोस्तों आपको ये एनालिसिस करना है, आपका स्कोर भी आपको पता चले। दोस्तों, आप पीटीटी 2023 का कंप्लीट फुल कोर्स भी ले सकते हैं। फुल कोर्स दोस्तों आपको एक तो वेबसाइट पर मिल जाएगा राजस्थान क्लासेस की, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन या फिर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो राजस्थान 360 के नाम से है, जहाँ पर 49, 20 ऐसे कुछ प्राइस में आपको मतलब कोर्स भी मिल जाएंगे अगर चाहो तो। लेकिन ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करना, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है। पीडीएफ के लिए गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ओके दोस्तों, आज का पहला सवाल है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आप कहेंगे सर कंदरिया महादेव मंदिर तो खजुराहो में है, खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार से राजस्थान का खजुराहो कैसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? वहाँ पर तो कंदरिया महादेव है, तो यहाँ पर कौन से महादेव है? सोमदेव, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोमनाथ महादेव, सॉरी है ना। हाँ, बाबर के विजय अभियान में से असंगत कौन सा है दोस्तों? तो समरकंद का अभियान इनका 1501 में चला था, काबुल का 1504 में, यूसुफ जाई का अभियान 1519 में। सारे के सारे सही है, यानी एक भी असंगत नहीं है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 74वां दिया गया, कौन सा? 74वां, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए तालीकोट का युद्ध जो है ना, ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर 1565 में हुआ था तालीकोट का युद्ध, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र अंतिम युद्ध कह सकते हैं हम लोग। और अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच खेली गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच जो है खेली गई थी? तो आप सभी का लाइक जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, 1526 में ये पानीपत की लड़ाई खेली गई थी। दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो है ना इब्राहिम लोदी हारा था, इब्राहिम लोदी जो है हारा था, ठीक है। ओके, अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? तो आपका आंसर आएगा औरंगाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। ओके, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा। इसको 1983 में विश्व विरासत लिस्ट में शामिल किया गया था, गुप्त शासकों द्वारा ये निर्मित अजंता की गुफाएं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? एस विजय लक्ष्मी जो है ना कौन से खेल से संबंधित है? तो वो है चेस से, है ना, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो 22 है दोस्तों। कितनी है? 22 है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसमें सैंडी स्टॉर्म में किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों संदीप पाटिल की है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर भी है हमारे भारत के। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, राष्ट्रकूट का शासक दोस्तों कौन था? तो वो ध्रुव था या धर्मपाल? आप कहेंगे सर ध्रुव था, ऑप्शन बी। दोस्तों ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है क्या करा था, जो प्रतिहार नरेश थे वत्सराज, और पाल नरेश जो था कौन? धर्मपाल,
इन दोनों को हराया था। तो ये त्रिपक्षीय या त्रिगुटीय युद्ध था एक प्रकार का। अगला सवाल है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, टाइगर स्टेट जो है किस राज्य को कहा जाता है ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसको मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सर्वाधिक टाइगर यहीं पर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से भारत का बाघ अभयारण्य कौन सा है? इनमें से बाघ अभयारण्य कौन सा है, इंद्रावती, भगवान महावीर, दाल मवनी जीव या बस्सी अभयारण्य? तो दोस्तों इंद्रावती जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। भगवान महावीर कहाँ पर है, बिहार में है, सॉरी गोवा में है। दाल मा आपके कहाँ पर है, ओडिशा में है या फिर झारखंड में। आप कहेंगे सर झारखंड में है, ओडिशा भले ही पास में है लेकिन झारखंड में है, ठीक है। और बस्सी अभयारण्य जो है अपने राजस्थान में है, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, विवेकानंद गुफा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, विवेकानंद गुफा आबू में है, यानी माउंट आबू में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से असम्मिलित क्या है? अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ देखने को मिलती है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति देखने को मिलती है, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल देखने को मिलता है दोस्तों, न कि योग्यताएँ। योग्यताएँ 157 में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी असम्मिलित है, 163 में राज्य मंत्री परिषद हो ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध नाटक ललित विग्रहराज की रचना जो है किसने की थी दोस्तों? तो ललित विग्रहराज की रचना जो है ये सोमदेव ने करी थी। हरिकेली नाटक की रचना जो है इन्होंने करी थी। हरिकेली नाटक जो है ये किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी, ठीक है। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा गया दोस्तों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भाई करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम है? दोस्तों मैं बार बार ट्रिक वही बताऊंगा कि टोंक में क्या है, नगर है, ठीक है, टोंक में नगर है। तो आपको रिलेट करना है टोंक नगर का परकोटा, करकोटा नहीं याद रखना, परकोटा। तो सब कुछ आ गया ना, नगर कहाँ पर है, टोंक में है। तो टोंक नगर का परकोटा यानी करकोटा को याद रखेंगे, ठीक है। तो नगर का ही प्राचीन नाम था परकोटा, ओके दोस्तों, करकोटा। अगला सवाल है, गोरमघाट दर्रा उदयपुर को किस जिलों से जोड़ता है? गोरमघाट दर्रा जो है उदयपुर को किस जिलों से जोड़ता है? तो दोस्तों ये अजमेर, जयपुर, सिरोही अजमेर को लॉक करते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पे, सॉरी जालौर सिरोही को। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना प्रारंभ हुई, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना प्रारंभ हुई, तो ये दोस्तों कब प्रारंभ हुई? न कि 2013 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ स्थित है दोस्तों, यह आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा फतेहपुर सीकर, ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आरपीएससी में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल है, अजयराज चौहान का शासनकाल रहा था तो 1113 से 1133 हो जाएगा। इन्होंने 1113 में अजय मेरु नगर की स्थापना भी करी थी और इसे राजधानी भी बनाया था। अगला सवाल ये लीजिए दोस्तों, क्रांतिकारी चुनीलाल शर्मा किस आंदोलन से संबंधित है? तो क्रांतिकारी चुनीलाल शर्मा जो है ना ये अपने डाबड़ा कांड से संबंधित थे, ठीक है, जो 13 मार्च 1947 को हुआ था, ओके दोस्तों, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और अगला सवाल देखते हैं, रानी सोमलवती किसकी पत्नी थी? तो याद रखना अजय राज की पत्नी थी, इसने अजय राज ने दोस्तों कुछ सिक्के जो चलाए थे ना वो सोमलवती के नाम से चलाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए हमीर ने अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ जो किया था, तो कोट यज्ञ को हम लोग यहाँ पे फिलहाल लॉक करेंगे। इसके राजपुरोहित कौन थे दोस्तों, ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजपुरोहित कौन थे, तो विश्वरूप इनके राजपुरोहित थे, विश्वरूप, ओके।
अगला सवाल देखते हैं, बांडी नदी का पानी आता है। देखिए बांडी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी जो है ये आना सागर में आता है। किसमें? आना सागर में आता है। और आना सागर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने ही करवाया था, बिल्कुल सर, अर्णोराज ने ही करवाया था। अगला सवाल है कि अजात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम है? इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जिनका उपनाम जो है अजात शत्रु है? उपनाम अजात शत्रु है दोस्तों, ये बताना है आपको। राजेंद्र प्रसाद को लॉक करते हैं, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इनको देश रत्न भी कहा जाता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये स्वामीनाथन को कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में हुई थी 1961-62 में, और सबसे पहले विश्व में मैक्सिको में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में ऐसे कौन सी मदें जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? दोस्तों यहाँ पे मजदूर संघ जो है समवर्ती लिस्ट में आती है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, मसाला बोर्ड भारत के कौन से शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, मसाला बोर्ड जो है ना भारत के कौन से शहर में स्थित है? कोची में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? कोची। कोची कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है। ठीक है, ओके, सबसे अच्छा सवाल था जो कि ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है, है ना? सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। जिस डेल्टा का नाम क्या है वो आप सभी को पता होगा, कौन अनभिज्ञ होंगे, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों, ये किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी आरंभिक काल में, वैदिक आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। अगला सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया था? सबसे पहले कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए मद्रास में बनाया गया, मद्रास जो कि मद्रास का 1908 का अधिवेशन था, जिसमें रास बिहारी जो थे वो क्या थे, यहाँ के अध्यक्ष थे। ओके, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर हुए, तो सर्वाधिक हुए हैं 10 अधिवेशन कलकत्ता में हुए दोस्तों, उसके बाद जो है सूरत में हुए 8 अधिवेशन, है ना, फिर मुंबई ऐसे। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, सभी को पता है बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने जो कहाँ पर हुआ था? एक में ही बने थे ये, जिस प्रकार से महात्मा गांधी बने थे उसी प्रकार ये 1920 कलकत्ता वाले में बने थे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि चिल्का झील में कौन सी नदी का पानी आता है? हालांकि चिल्का झील राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी तटीय झील है, कहाँ पर है? आपका आंसर आएगा उड़ीसा में है। ठीक है, ओके, उत्कल तट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी बात करें कि भाई ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भार्गवी नदी का यहाँ पर पानी आता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान को किस अनुच्छेद में हुआ? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, तो दूसरी अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना जो है ना कब शुरू की गई? राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना जो है ये कब शुरू की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन सी, यानी कि 2 जुलाई 2018 को की गई थी। अगला सवाल है, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट प्रतिमाह तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई? ये हाल ही का सवाल है, 2023-24 बजट का सवाल है दोस्तों, और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 यूनिट फ्री देने की घोषणा की गई है। इसमें लगभग जो है आपके 1.4 करोड़ से अधिक जो है अधिकार से अधिक जो है परिवार लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट सवाल है, बजट 2022-23 के अनुसार माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा में की जाएगी दोस्तों, याद रखना, कहाँ पे? कोटा में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में
क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण हेतु कितने बजट की घोषणा की गई? तो ये की गई है 140 करोड़ रुपए की घोषणा, 140 करोड़ रुपए की घोषणा जो है की गई। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बाबर का राज्याभिषेक जो है किस आयु में हुआ था? दोस्तों बाबर का राज्याभिषेक कौन सी आयु में हुआ था? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, 11 वर्ष की आयु में हो गया था। ये फरगना का शासक बना था और 1494 में बना था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलोग्राफी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स को लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एथ्नोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का मानव के हित में संबंध, इस प्रकार की लाइन भी आ सकती है, थोड़ी बड़ी लाइन भी आ सकती है, ठीक है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि आदिवासियों द्वारा जो है पादमों के उपयोग का जो है अध्ययन। अगला सवाल है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ये चीज़ याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ओके ऑप्शन सी। और अगला सवाल है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव और शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी के द्वारा सीखा जाता है। और ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है कंकाल तंत्र का दोस्तों अध्ययन करना, कंकाल तंत्र का अध्ययन करना याद रखना, ठीक है। और इसमें रुधिर रोगियों की जो है ना, रुधिर रोग होते हैं ना, उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी में होता है। अगला सवाल देखो कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो बायोनोमिक्स कहा जाता है या फिर जो है आपका बायोनिक्स कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए है जो हमारा सही जवाब होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए दोस्तों क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है, समय की अवधि का अध्ययन है, ओके। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि द्रवमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रचार करती है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल जो आखिरी सवाल आपको दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, पास्कल नियम लागू होता है, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। दोस्तों ये जो आपके सवाल थे इनमें आपको ये बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ज़रूर बताइएगा। वेबसाइट गूगल पर जो है ये आपको मिलेगी राजस्थान क्लासेज, आपको प्ले स्टोर पर राजस्थान 360 एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों ये लगभग 20-19 रुपये में कोर्स मिल रहा है फिलहाल, और ये राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर फ्री जो है कंटेंट दिया जा रहा है। दोनों में से कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, दोनों में से दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।